नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। आज हिंदी सत्र में दो शेयरिंग से अनुरेखा जैन दीदी और बाद में हेमलता जैन दीदी अपनी बात को रखेंगे। तो सभी साथियों का इस हिंदी सत्र में स्वागत करता हूं। पहले हम अनुरेखा दीदी से दीदी की बात सुनेंगे। दीदी प्रिंसिपल है एट टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। दीदी ने फर्स्ट वर्कशॉप मार्च 2023 में किया है। तो दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। ओवर टू यू अनुरेखा दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही आ रही। हाँ जी, यस, धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते। और मेरा, जैसा कि आपने परिचय दिया, मैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा 25 साल मेरे एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है, मतलब है। और मेरे घर में मेरा मेरे हस्बैंड है जो डॉक्टर है, बेटा और बहू भी डॉक्टर है, और बेटी मास्टर इन सोशल वर्क में पढ़ाई कर रही है। ऐसे हम लोग 5 मेंबर है फैमिली में। और मैं जीवन विद्या से करीबन 2019 में मैंने पहला सेशन किया था। उसके पहले ऑनलाइन भी वीडियो सुने, और उसके बाद में मैंने एक जीवन विद्या परिचय शिविर किया, फिर एक अध्ययन बिंदु शिविर किया, और उसके बाद में बीच में मेरा छूट जाता है, और फिर मेरे को कहीं ना कहीं से इसी कंटेंट पे आना होता है। और यहाँ मुझे बड़ा पता नहीं, मैं अपनी बात ये रखती हूँ कि मुझे ये सुनना अच्छा लग रहा है कि मैं इसके कितने प्रैक्टिस में हूँ, पर चीज मुझे ये कंटेंट बड़ा अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है। दोनों चीजें, अच्छा लगना और अच्छा होना, अच्छा तो है ही, लेकिन मैं उसको किस रूप में अभी अभी मैं अपने आप में कंफर्म नहीं हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ इसको। मुझे थोड़ा सा विश्वास अपने पे ही कम होता है, और हमेशा मुझे इस कंटेंट से बड़ा लगाव रहा है। तो सुनती तो रही हूँ मैं, अभी वॉलंटियरशिप के हिसाब से कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन जब मैंने पहली वर्कशॉप जीवन विद्या की करी थी, जब भी मुझे लगा था कि मुझे इस तरह से अपने आप को जीना है और पढ़ाना भी है और लोगों के बीच में इस कंटेंट को रखना है, लेकिन फिर मैं बार बार, मुझे लगता है कि शायद अभी जीने में कम है, तो इस तरह से मैं फिर पीछे हट जाती हूँ और बीच में मेरे गैप्स फिर आ जाते हैं। तो मैं शेयरिंग के रूप में बात करूंगी। तो मानव में अपनी पहले मेरा जीवन सिर्फ मानते हुए निकला, और एक कंडीशनिंग थी कि जिंदगी ऐसे ही होती है, हमको पढ़ाई करनी है, बड़ा होना, पढ़ाई करते करते मम्मी पापा ने स्कूल एजुकेशन में डाल दिया, पढ़ते रहे, थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते थे माँ के साथ, और उसके बाद में अपना ये था कि कोई डिग्री लेनी है, डॉक्टर बनना है, और फिर डॉक्टरी में नहीं हुआ, एक बार एग्जाम दी तो फार्मेसी में चले गए, उसके बाद बोले कुछ करना है, कुछ करना है, सब करते हैं, हमको भी कुछ करना है, तो जॉब ज्वाइन कर लिया, वहां पे कुछ एकेडमिक पर कुछ कमी थी डिग्रियों में, तो शादी के बाद अपनी पढ़ाई की, पीएचडी की, और इस तरह से बस ऐसा लगा कि जिंदगी हमने सिर्फ मानी हुई जी, जानी हुई नहीं, यही हमको इतना ही पता था, इतना भी पता नहीं था। मैं तो शायद कोई मुझसे डिस्कस करता था आत्मा क्या होती है, और तो मैं मानती नहीं थी इन चीजों को कि कोई अगला जन्म होता है और आत्मा होती है, लेकिन जब जीवन विद्या का पहला शिविर किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें, कि और फिर मैंने समझना शुरू किया कि नहीं, ये दो चीजें हैं, और जब मैंने ध्यान से कोई चीज को ध्यान में लगाया, सुनना, देखना, और उसके बाद में समझ के साथ में कुछ चीजों को लेने लगी, तो लगा कि दो मानव के रूप में जो मेरी स्पष्टता ये हुई कि, और मैं के रूप में कि हाँ, मानव दो चीजों से बना है, मैं और शरीर, और जो कि हमेशा सुख चाहता है, सुखधर्मी है, और दूसरा ये लगा कि
हमेशा मतलब फिर मुझे लगा कि हाँ बॉडी मरती है, शरीर मरता है, पर मैं हमेशा जिंदा रहता है। और मैं हमेशा अपने विचारों से, मतलब मेरी इच्छाएं, आशा, विचार, उनको मैं देख पाती हूँ। अभी तो विचारों को भी, जब मैं अपने विचार, बहुत विचार आते हैं, तो मैं उसको थोड़ा देखती हूँ कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके पीछे भाव क्या है, मुझे इतना क्यों सोचना है, नहीं ये बेकार है, ये काम नहीं करना है मुझे, ये ठीक है, तो थोड़ा उसमें मेरा उसके बाद में। और ये अभी थर्ड UHV, मैंने फर्स्ट UHV किया है ऑनलाइन, सेकेंड नहीं किया, और थर्ड किया है अभी ये वाला। तो इसमें भी एक छोटा सा, जब प्रैक्टिसिंग राउंड चल रहा था, जब मेरा कहीं बाहर जाना हुआ तो गैप हो गया, तो यहाँ से मुझे क्यों और कैसे, और उस समझ के लिए मुझे बड़ी इस कंटेंट से मेरी समझ के, कि समझ के चीजों को करना या समझना चीजों को, उसके प्रति मतलब मैं उसको उस तरीके से देखने लगी हूँ। तो एक तो ये भी मुझे लगता है कि मानव मरता है तो मुझे एक शांति लगती है कि नहीं मैं तो जिंदा हूं, तो एक थोड़ा सा मौत से डर कम लगता है कि हाँ। और दूसरा ये कि ये साधन है हमारा शरीर, और इसको हमको अच्छे से कैसे चलाना है, ताकि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो करती हूँ, या मैं जो करना चाहती हूँ, जो मेरे विचारों में है, वो उसको कैसे शरीर के थ्रू मैं कर पाऊँ। तो ये चीजें मानव के रूप में मुझे बड़ी क्लियर होती है कि हर मानव सुख चाहता है, और इससे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी कम होते हैं जब हम सबको देखते हैं घर में, और सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैंने, जब इस कंटेंट को सुनती हूँ तो मुझे बड़ा गिल्ट लगता है कि मैंने ये बहुत पहले क्यों नहीं इसके कांटेक्ट में आई, और अब मेरे आचरण में अभी भी पूरी तरह से नहीं है ऑनेस्टली चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चों को मैं नहीं दे पाई, या और अब मैं चाहती हूँ कि वो बदले, और मैं ये कंटेंट परोसू उनको, और वो बदले, वो बदले, और ऐसा करे, और ऐसा गलत है, और ऐसा अच्छा है। तो उस चीज में भी मेरा समय बहुत गया है दूसरों को बदलने में। और मेरे सबसे ज्यादा तो कॉन्फ्लिक्ट मेरे अपने हस्बैंड से रहे, जॉब करते करते तो जॉब में बहुत बिजी रहे। अभी थोड़ा सा मैंने जॉब को बीच में छुट्टी ले लेके थोड़ा उसको अपने आप में जीना, अपने उसमें सोच के थोड़ा सा घर में, घर से शुरुआत की कि मैं कैसे अपने आप को चेंज हो और दूसरों को बाद में अपने आचरण में लाना शुरू करूं। तो मैंने पहले तो अपने हस्बैंड को बहुत चेंज करने की कोशिश करी, बच्चों को भी कई बार चीजें बताती हूँ, पर उसमें समझ का लेवल एक प्लेटफॉर्म पे आना थोड़ा मुश्किल लगता है, और फिर लगता है कि नहीं हमारे आचरण में आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें चेंज होगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में मेरा समय बहुत खराब हुआ, विरोध रहता रहा फैमिली के साथ में। फिर मैंने जीवन विद्या में कुछ सीक्वेंस सुन लिया था कि पहले मैं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर प्रकृति, और मैं बीच में प्रकृति पे भी काफी काम करने लगी। तो मुझे मुझे लगा कि नहीं, पहले तो मैं पे बात होगी, उसके बाद परिवार पे। पर फिर अभी मैं UHP में एक बार मेरी कुमार भैया से मतलब इसी क्वेश्चन में बात हुई कि नहीं ऐसा नहीं, अगर आप यहाँ पे नई चीजें हैं तो आप बाहर भी कर सकते हो, ऐसा सिक्वेंस पकड़ने की जरूरत है। मैं तो आई इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार के पीछे लग जाओ और खुद, और ऐसा करके आप बाहर के चीजें जो कर रहे हो थोड़ी प्रकृति के लिए और लोगों के साथ में करना चाह रहे हो बंद कर दो। तो वो मेरे को चीजें समझ में आई कि जो मेरी मेरे लिए है चीजें, और मैं कैसे अपनी चेतना के साथ में कॉन्शियसली मीनिंगफुल लाइफ जी सकती हूँ, उसको मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, और थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ। अभी मेरा पूरा ध्यान थोड़ा सा इसी तरफ रहता है कि कॉन्शियसली मैं अपना काम करूँ। प्रकृति को लेके मुझे पहले ये था कि प्रकृति पहले तो मैं बहुत पहले तो समझती नहीं थी, उसके बाद में मैंने ये जीवन विद्या के पहले भी एक कोई बंदा, दो तीन लोग मेरे कनेक्शन में आए थे जो प्रकृति के साथ काम करने लगे थे। जब से मुझे उस तरफ ध्यान बहुत गया और मैंने काफी काम करना शुरू की है, जैसे मैंने मियावाकी फॉरेस्ट अपना खुद का लगाया, लोगों ने कहा कि ये क्यों लगाना है, फल तो देता नहीं है, और जंगली पेड़ आपने लगाए और इससे क्या होता है।
पर मुझे तो अपनी समझ थी कि मुझे क्यों लगाना है, जहां हम अभी कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ा रहे हैं, कार्बन इमिशन इतना बढ़ा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ही उस तरह की है कि जहाँ पे हम इतना प्रकृति को से जितना दोहन कर रहे हैं उतना दे नहीं पा रहे हैं। पानी को लेके देखें, हवा को लेके देखें, आपके फूड को लेके देखें, और जो डिफोरेस्टेशन है और पोलीथीन है, इस तरह मैं एक काम और करती हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है जिसमें मैं सैनिटरी क्लॉथ पैड्स बनाती हूँ और स्कूलों में जाके पढ़ा के और उनको पैड्स बांटती हूँ। तो प्रकृति के प्रति मुझे हमेशा एक भाव रहता है। जैसे अभी इस बार मैंने अपने घर को पूरा सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और वाटर रूप हार्वेस्टिंग वाटर भी कर दिया। तो इस तरफ मेरा ध्यान जाता है कि हम प्रकृति में खुद भी एक नेचुरल ह्यूमन बॉडी भी एक नेचुरल नेचर है और पूरे अस्तित्व में देखें तो सारी चीजें जो नेचुरल है वो हमारी सबसे बड़ी नीड है बजाय पैसे के। मुझे घर में मेरी माँ हमेशा आज भी कहती कि पैसा बहुत जरूरी है, पर मुझे लगता है पैसा जरूरी है रहने के लिए, लेकिन इस जीवन विद्या के बाद और UHP के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, हमारी आवश्यकताएं बड़ी लिमिटेड है और बहुत प्रचुर मात्रा में बाहर उपलब्ध है। सिर्फ हमको अपनी आवश्यकताओं को देखना है और कैलकुलेट करना है। और आज अब मुझे थोड़ा कपड़े पहनने का थोड़ा रूप और गुण की तरफ बहुत ध्यान जाता था, अब थोड़ा उसके प्रति भी मेरा लगा वो कम हुआ है कि नहीं, ये चीजें परिवर्तनकारी है और ये लंबा नहीं चलती है, तो हमको उसको इतना ज्यादा रूप और गुण के तरफ ध्यान नहीं देना। तो कपड़े में भी थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरी जरूरत कितनी है, खाने में भी वेस्ट नहीं जाए, कैसे हम थोड़ा खुद अपना उगा सकते हैं, इस पे भी मैं छोटे मोटे काम करती रहती हूँ अपने घर पे या अपने फार्म पे। और शुद्ध कैसे उगाया जाए, कैसे केमिकल फ्री हो, हम जो ले रहे हैं क्या दे पा रहे हैं पृथ्वी को। ऐसे ही मैंने अपनी गाड़ी भी अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लिया है। तो प्रकृति से मुझे लगाव है, पेड़ों को मैं प्लांटेशन की तरफ ध्यान देती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या घर में झगड़े करके इन कामों को करती हूँ। जितना मुझसे बनता है या जो उस तरह से मैं अपना काम करती हूँ, पर मुझे प्रकृति से बड़ा लगाव है और समझ है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं। हालांकि इस फील्ड में बहुत काम करने को भी है और अपने आप को अपने अपने लिए मैं के साथ में प्रकृति का जो सह अस्तित्व है या बॉडी के साथ है उसको मैं थोड़ा देखती हूँ। अस्तित्व के बारे में पहले तो मैं अस्तित्व को अब समझ में आया कि जो है वो है, और नेचुरल चीजें जो प्रकृति है, जो आसमान ब्रह्मांड है पूरा और जिसमें सारी इकाइयां हैं और वो सब घुली मिली हुई है और सब अपनी क्रियाशील में शून्यता शून्य में है। तो इस तरह से मैं देख पाती हूँ अलग अलग इकाई और उसमें भी जड़ और चैतन्य जो है और कैसे अपना काम कर रही है और हम कैसे डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे, शून्य में रह के दो इकाइयां आपस में टकराती नहीं है। सिर्फ एक मानव जो है वो ज्ञानावस्था की वजह से उसमें जरूर हम सह अस्तित्व में की बात कर रहे हैं, तो ये अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये बहुत ही बड़ा एक क्लैरिटी देता है कि परस्परता में जीना, जो एक दूसरे के बगैर हम जो अपना ईगो पालते कि नहीं मुझे किसी की कभी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मेरा अपना पैसा है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और मैं खुद अपना, लेकिन हम जब सबके साथ में जो जड़ वस्तुएं हैं और जो मानव है उसके साथ जब हर इकाई को समझते कि ये एक एक इकाई है और उनके साथ हम रह रहे हैं, तो कहाँ हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है और कहाँ पे हम अपने विरोध आ रहा है। और इसको भी मुझे सह स्वीकृति का जो भाव है उससे जो सुख मिलता है उसको देखना बारीकी से, वो प्रैक्टिस में धीरे 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 धीरे, मतलब मेरे को अब लगता है कि नहीं इसी चीज में जाना चाहिए कि क्या सह स्वीकृति है, क्या हम किसी चीज को किसी दूसरे मानव के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसी जड़ वस्तुओं के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं क्या इकाई। तो ये अस्तित्व में मुझे चीजें लगती है। और मुझे घर में
इस यूएचवी थ्री के बाद सुनते सुनते थोड़ी मुझे सुकून और शांति तो मिली, अपने आप से बात करना, अपने आप में रहना और दूसरों को कम ज्ञान देना, पहले तो खुद की समझ बढ़ाना, अपने आचरण में लाना, तो उससे थोड़े मेरे कॉन्फ्लिक्ट कम हुए हैं, घर में थोड़ा सा चीजें ठीक होने लगी है और ये समझ में आया कि सबकी समझ अपने हिसाब से बनती है, थोड़ा देख देख के ही चीजें, एक जैसा माहौल मिलता है वैसा आदमी सीखता है, वैसा आचरण वैसे ही आचरण करता है, मतलब ज्यादा इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, धीरे 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 होता है, ऐसा मुझे लगता है। मानवीय आचरण की बात करूं तो मैं अपनी बात करूं तो रूप पद बल और जो इसी में मेरा ध्यान पहले रहता था कि मैं अपना नाम करूं काम करूं, तो अब लगता है कि नहीं, प्रिय हित लाभ जो है उससे ऊपर जो न्याय धर्म और सत्य है उसमें मैंने सत्य को भी यूएचपी में जाना, धर्म को भी जाना और न्याय को भी जाना, तो इसको कैसे मैं अपने आचरण में लेके आऊं। तो ये तो है कि मैं बहुत किसी का गलत नहीं करती हूँ और कहीं गलती होती तो वो मुझे रियलाइजेशन होता है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ और मुझे ठीक कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उन चीजों को जहां मेरे से गलती होती जा रही है, तो वो भी धीरे 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 मुझे लग रहा है कि घर में जैसे मेरे बहू है मैं है, कहीं लगता है कि नहीं यार हम एक छोटे से घर के काम के लिए भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और उसको अगर हम खाना ही बनना है तो कौन बनाएगा, या इस तरह के अगर विचार आते कि नहीं उसको बनाना चाहिए मुझे नहीं, ये जो पुरानी मान्यता है कि नहीं एक बहू आई है तो उसका काम ये है वो करेगी अब मेरा काम नहीं है, ये जो सब हमने घरों में देखा है या पुरानी जितनी चीजें चली आ रही है मानी हुई उसको मैं देखने जाती हूँ तो मुझे लगता नहीं मुझे जानना है और एक मानव धर्म और मानव क्या है उस तरीके से चलना है। तो बहुत सारी लाइफ में चीजें जो है वो मुझे लगता है हम प्री कंडीशनिंग और सेंस जो संवेदनाओं के साथ ही जीते हैं, टेस्ट को लेके मुझे आज भी बड़ा है अपने लिए गिल्ट है कि मुझे खाना अच्छा लगता है, हालांकि कई बार कई जगह घास फूस भी मिल जाए तो उससे भी पेट भरा जा सकता है या कोई चीजें मिल जाती है तो वो भी, पर आज भी ऐसा लगता नहीं मैं अपने हाथ का बना के ही खाऊं या अच्छा ही बनेगा और उसमें चॉइसेस बहुत ज्यादा है हर चीज में, तो उस तरफ ध्यान चला जाता है, तो उस पे मेरा ध्यान है कि कैसे कोई खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शरीर के लिए, जैसा जीने के लिए पैसा इतना जरूरी नहीं होता खाना भी जरूरी नहीं है, दोनों चीजें मेरे दिमाग में बात रहती है, लेकिन फिर भी उस पे अभी मेरा चीजें मतलब सोचती हूँ मैं इसको कि नहीं ये कम हो और वैसा करने में मुझे टाइम लग रहा है, अभी भी मेरा थोड़ा सा ध्यान बाहर की तरफ, थोड़ा नहीं ज्यादा ही बाहर की तरफ है, प्रभाव ज्यादा मेरे को प्रभावित करते हैं बजाय मेरे आंतरिक भावों को, और थोड़ा भावों को पकड़ना भी मेरे साथ कम हो पाता है जो मैं कोशिश करना चाहती हूँ और करती हूँ कि मैं भाव के साथ अपनी जिंदगी को जीऊं, भाव और विचारों में क्वालिटी और समझ के साथ में और अस्तित्व और सह अस्तित्व को देखते हुए सभी के साथ में अच्छे से जी पाऊं और इसके समाज के लिए कुछ काम कर पाऊं। तो अभी मेरा बड़ा मन है कि यूएचवी में मैं काम करूं, पता नहीं मेरे साथ यही बार बार समझ में आता है कि मैं कैसे जी रही हूँ, मेरा जीना क्या उस ढंग से हो पा रहा है, तो बार बार मेरा विश्वास मेरे प्रति थोड़ा कम होता कि नहीं मुझे और पढ़ना है और समझना है, कुछ लाइफस्टाइल में और करेक्शन लाने हैं और आचरण में चीजों को लाना है, तो इससे मेरे थोड़े पैर पीछे आ जाते कि नहीं मुझे अभी अपने पे ही और काम करने की जरूरत है, तो इस तरह से और चार इस अभ्यास एक और दो में मुझे सही सब सच्ची बात करूं तो मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मुझे एक और दो में मैं को जब मैं को देखती हूँ तो जो मेरे विचार है आशा विचार और इच्छा उसको मैं मेरी आशा में
क्या रहता है और इच्छाएं क्या होती है और विचार कितने ज्यादा आ रहे हैं और क्या काम के हैं और क्या काम के नहीं, इसको मैं थोड़ा सा इन प्रैक्टिस के बाद में थोड़ा फिल्टर करने लगी हूँ चीजों को, और ऐसा अपना थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने मुझे घर के छोटे काम में मुझे डिफरेंशिएट करना कि ये बड़ा काम है ये छोटा काम है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी काम है उसको करती हूँ तो मुझे लगता है वही मेरा मेडिटेशन है, और उसी में मेरी जो मैं को मैं के साथ में चीजें हैं वहां पे वो विचार जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा और फालतू के विचार और उससे कॉन्फ्लिक्ट आना और मेरी सस्वीकृति जो है वो नहीं होती, तो उसको मैं अलग हल करने की कोशिश करती हूँ। साथ में बॉडी के साथ में मेरी जो देखना है वो मैं क्या सोच रही हूँ और मेरी बॉडी को क्या इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, वैसे चल रही है या मल्टीटास्किंग में बॉडी कहीं और मैं कहीं और, ऐसा भी कई बार होता है तो उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा मल्टीटास्किंग को कम करने की आजकल कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बार घर का काम, ऑफिस का काम, समाज का काम, थोड़ा एनजीओ का काम, इस तरह से काम को बढ़ाया हुआ है तो उसको भी मैं कट शॉर्ट करना या मतलब उसको कम करना, और क्या काम जो है मेरे मैं के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए, जो क्वालिटी जो चीजें है उसको समझ के कोशिश करती हूँ काम करने की। ऐसा नहीं कि भाई हम पेड़ को, पहले मैंने चार अवस्थाओं को समझा और उसमें जो पहले मुझे लगता था प्रकृति से प्यार करना मतलब हमने बाहर पेड़ लगाए और ये प्रकृति से प्यार करना नहीं, उसके बाद में सब या लोग कुत्ते को पाल रहे हैं तो उसको वो तो मानता है और हम जानते हैं जान के करते हैं, और हमारे साथ में जो मानव उससे तो प्यार कम कर रहे हैं और कुत्ते को पूरा इम्पोर्टेंस दे दिया या पेड़ को पूरा इम्पोर्टेंस दे दिया, तो ये चीजें जो मेरे दिमाग में आती थी तो उसको समझ के अब मैंने काम करना शुरू किया और मेरी बॉडी को इम्पोर्टेंस देना हेल्थ के हिसाब से शुरू किया कि ये टूल है जो हमको मैं की चाहना को जो है उसको ये टूल के साथ में पाया जा सकता है, तो इस टूल के लिए भी मैं अपनी डेली वॉकिंग और खाना क्या खाना है और थोड़ा सा एजिंग का जैसे अब थोड़ी उम्र बढ़ रही तो उसके साथ में कैसे चीजों को रखा जाए कि हमारी थोड़ी जीवन स्वस्थ रहे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, अपना काम खुद कर पाए छोटे से लेके बड़ा, कोशिश मैं यही करती हूँ। हालांकि मेरे यहाँ सब लोग डॉक्टर है, सब बाहर का काम करते हैं, अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी होते हैं, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा अपनी चीजों को इस तरफ ला रही हूँ कि नहीं मैं अपने काम फुली कोई सर्वेंट पे ऐसा डिपेंड नहीं रहूं, अपने काम कर पाऊं और लोगों को भी सर्व कर पाऊं। यूएचबी के बाद मुझे यही समझ में आया है कि ये मेरे में चेंजेस हैं जो मैंने बीच बीच में बताती गई हूँ, और स्वयं के समझ के लिए तो अभी मैं ये यूएचवी अटेंड कर रही हूँ, इसके लिए लगा रही हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने पे अपने से बात करती हूँ इसके लिए, और वैभव स्वयं के वैभव के रूप में भी जो मैंने पूरा बीच बीच में जो किया है वो वही समझा है। साथ में मैं 2 घंटे तो लगा ही सकती हूँ इसके लिए, और मैं थोड़ा वॉलंटियरशिप भी करना चाहती हूँ, कैसे शुरुआत होगी वो आपसे ही सीखूंगी। हेलो। हाँ जी दीदी जी जी। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस कंटेंट के कनेक्शन में आई, जिसने मुझे पहली बार मेरा स्टूडेंट जो मैं जिसको मैंने पढ़ाया उससे मुझे जीवन विद्या ऑनलाइन पहले सुनाना शुरू किया वीडियो, फिर डिस्कशन शुरू हुए, फिर वो मुझे ले गया कि नहीं आप जाओ लाइव सेशन में, तो उससे लेकर और आप जितने भी जो यूएचपी पढ़ा रहे हैं आप लोग जैसे कुमार भैया और जितने वॉलंटियर्स है गणेश भैया और सोम भैया, तो मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि जो इस कंटेंट को मुझे थोड़ा समझने को देखने को मिला और इससे मुझे डिफरेंस समझ में आया। कई डेफिनेशन मेरे लिए सारी ही नहीं थी, मैं तो सारी मान्यताओं के हिसाब से लेती आई जो जिसने बता दिया सत्य क्या न्याय क्या है, लेकिन अब मुझे इससे ये तो क्लियर है कि ये भगवान क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, यहाँ से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, तो मैं इस वजह से बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का, और कोशिश करूंगी और इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगाने की और समझने की और मेरा कुछ अपना
अपनी मीनिंगफुल इसके लिए लाइफ बना पाई, समाज के लिए कुछ कर पाई, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।